शहीदे आजम सरदार उधम सिंह, शहीदी दिवस 31 जुलाई। लंदन जाकर अंग्रेजों के घर में घुसकर जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार का बदला लेने वाले शहीद वीर का नाम था उधम सिंह। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य आदेशकर्ता और आरोपी डायर को मारकर अपना 21 वर्ष पुराना बदला लिया। तो आइए जानते हैं उधम सिंह की पूरी कहानी। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में हुआ था। उधम सिंह का असली नाम शेर सिंह कंबोज था और उनके पिता श्री पहल सिंह कंबोज थे। उनके पिता उपली गांव के रेलवे क्रॉसिंग पर वॉचमैन की नौकरी किया करते थे। जब उधम सिंह बहुत छोटे थे तो उनसे माता पिता का साया छिन गया और उसके बाद वे और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह दोनों को अनाथालय में रहना पड़ा। अमृतसर का सेंट्रल खालसा नाम का अनाथालय एक सिख संस्थान, इसलिए दोनों भाइयों का पालन पोषण सिखों के बीच हुआ और उनका नाम बदलकर उधम सिंह और साधु सिंह रख दिया गया। अभी कुछ ही समय बीता था कि 1917 में उनके बड़े भाई भी दुनिया छोड़कर चले गए। अब उधम सिंह अपने परिवार में अकेले ही रह गए थे। सन 1918 में अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उधम सिंह ने अनाथालय को भी छोड़ दिया। वहां रहते हुए उन्होंने आर्ट और क्राफ्ट्स में पूरी महारत हासिल कर ली थी। यह वह समय था जब भारत में अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। 1919 में भारत में अंग्रेज एक रोलट एक्ट नामक कानून लेकर आए। इसके अंतर्गत मजदूर यूनियन अपने भी हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते थे और किसी को भी केवल शक के आधार पर ही ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार कर सकती थी। पूरे देश में इस कानून का विरोध बड़े जोरों शोरों से होने लगा। पंजाब में भी इस कानून के विरोध में जगह जगह जनसभाएं होने लगी थी। कांग्रेस के दो बड़े नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को इस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया था। इन्हीं नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा बुलाई गई। इस जनसभा में हजारों लोग शांतिपूर्वक ढंग से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। इसी जनसभा में उधम सिंह और उनके कुछ दोस्त वहां आए हुए लोगों को पानी पिलाने की सेवा कर रहे थे। इसी बीच ब्रिटिश सरकार के एक नुमाइंदे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को चारों ओर से घेर लिया। उस बाग से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था, जिस पर डायर के हथियारबंद सैनिक खड़े थे। दूसरी ओर हजारों की संख्या में निहत्थी भीड़ थी, जिस पर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इस हत्याकांड में 1500 के करीब लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। हालांकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 337 लोगों के मरने की ही बात कही जाती है। अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग वहां मौजूद कुएं में भी कूद गए, जिसमें डूबने की वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। इस पूरी घटना को उधम सिंह ने बहुत करीब से देखा। उस वक्त पंजाब का गवर्नर माइकल ओ डायर था और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश जनरल डायर ने ही दिया था। इस घटना ने उधम सिंह को अंदर तक झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद उधम सिंह ने खुद को आजादी के आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। उधम सिंह 1924 में गदर पार्टी से जुड़ गए थे। इस पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीयों ने भारत में क्रांति भड़काने के लिए की थी। आजादी की लड़ाई के लिए पैसा जुटाने के लिए उधम सिंह ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्राजील और अमेरिका तक की यात्राएं की। 1927 में वे भारत लौट आए थे और अपनी आजादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए कुछ नए साथियों के साथ अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए रिवॉल्वर और गोला बारूद भी लाए थे। उधम सिंह को रिवॉल्वर रखने के जुल्म में आर्म्स एक्ट 1927 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें 5 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई। अंग्रेजों ने इतने वर्ष भारत पर राज किया क्योंकि उनकी पॉलिसी थी कि लोगों को आपस में लड़ा दो, जिससे वे लड़ते रहें और उनका राज कायम रहे। उधम सिंह जब जेल से रिहा होकर आए थे तो उन्होंने एक साइन बोर्ड पेंटर का कार्य करना शुरू कर दिया था। उन्होंने उस शॉप के लिए खुद का नाम
राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया था, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों में संदेश जाए कि सभी धर्म एक हैं और ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आपस में लड़वाकर राज नहीं कर सकती। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। धर्म सिंह भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। भगत सिंह के शहीद होने के बाद 1935 में उधम सिंह कश्मीर पहुंचते हैं। उधम सिंह भगत सिंह के पोर्ट्रेट को अपने साथ रखते थे। वो क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को भी बहुत मानते थे। कुछ महीने कश्मीर में रहने के बाद वे लंदन पहुंच गए। लंदन जाने के पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद था, जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार का बदला लेना। आखिरकार एक दिन उन्हें वह मौका भी मिल जाता है। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओ डायर एक मीटिंग में बोलने के लिए जाते हैं। इस मीटिंग में उधम सिंह एक अंग्रेज की वेशभूषा में शामिल होते हैं। वे अपने साथ एक रिवॉल्वर एक किताब में छुपा कर ले जाते हैं और मौका मिलते ही माइकल ओ डायर पर 6 गोलियां दाग देते हैं। इसमें एक गोली डायर के दिल पर लगी जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसी दौरान माइकल ओ डायर के कुछ और साथी भी घायल हो जाते हैं। माइकल ओ डायर को मारने के बाद भी उधम सिंह वहीं खड़े रहे और भागे नहीं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उधम सिंह पर ट्रायल चलाया गया। जेल में रहकर उधम सिंह ने 42 दिनों की भूख हड़ताल तक की। 42 दिनों के बाद उनकी भूख हड़ताल को जबरदस्ती तुड़वाया गया। अपनी ट्रायल के दौरान उधम सिंह ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष भी रखा, जिसमें उन्होंने कहा, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि वो इसे डिजर्व करता था और वही असली दोषी था। वो मेरे लोगों की स्पिरिट को कुचलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। मैं 21 सालों से उसे बदला लेने की कोशिश कर रहा था। मैं खुश हूँ कि मैंने ये काम कर दिखाया। इसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई और 31 जुलाई 1940 को पेंटो विलेज जेल में फांसी दे दी गई। उधम सिंह ने जिस तरह अंग्रेजों के घर में घुसकर देश के हजारों लोगों की मौत का बदला लिया था, इसकी तारीफ हर किसी ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि उन्हें माइकल ओ डायर की हत्या का अफसोस है, लेकिन ये बेहद जरूरी भी था। भगत सिंह और उधम सिंह के जीवन में बहुत सी समानताएं थी, जैसे कि दोनों ही पंजाब से थे, दोनों ही हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे और दोनों नास्तिक भी थे। जलियांवाला बाग के उस हत्याकांड ने दोनों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। दोनों को एक जैसे मामले में फांसी की सजा सुनाई गई और दोनों ने फांसी से पहले किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने से इनकार कर दिया था। शहीद भगत सिंह को तो देश के लोग याद कर लेते हैं, लेकिन शहीद उधम सिंह को बहुत कम लोग याद करते हैं। परंतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनके नाम पर एक जिले तक का गठन किया गया है। 2012 में उनके जन्म स्थान का नाम भी बदलकर सुनाम से सुनाम उधम सिंह वाला रख दिया गया था। 2017 में रेलवे स्टेशन का नाम भी सुनाम उधम सिंह वाला रेलवे स्टेशन रख दिया गया था। तो बच्चों, ये थी शहीद उधम सिंह की सत्य कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।